आईपीएल के 11वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की धूम मची हुई है। धोनी अब तक खेले गए 9 मुकाबलों में छक्कों की बारिश कर रहे हैं और आखिरी के ओवर्स पे गेंदबाजों की खूब धुनाई कर रहे हैं। धोनी उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं जिसने उन्हें दुनिया के बेस्ट फिनिशर का टैग दिलाया था। आईपीएल के सीजन में धोनी ने न सिर्फ चेन्नई को मैच जिताए हैं बल्कि लगातार रन भी बटोरे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने आईपीएल के 9 मैचों में 329 रन बनाए हैं। इसमें उनके 18 चौके और 24 छक्के शामिल हैं। छक्के लगाने के मामले में धोनी इस सीजन में टॉप पर बने हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक भी जड़े हैं और धोनी 5 बार नॉट आउट रहे हैं। अगर धोनी का बल्ला यूं ही चलता रहा तो धोनी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का अपना रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि एमएस धोनी ने साल 2013 में आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। आईपीएल के 6 सीजन में उन्होंने 18 मैचों में 461 रन बनाए थे। उस वक्त धोनी का स्ट्राइक रेट 162.89 था। दिलचस्प बात यह है कि धोनी का इस सीजन में जो स्ट्राइक रेट है वो 11वें सीजन में सबसे ज्यादा है। साथ ही 2 छक्के और लगाते ही धोनी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के अपने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। धोनी ने 2013 में 25 छक्के जड़े थे। धोनी अभी तक आईपीएल में 168 मुकाबले खेल चुके हैं और उसमें उन्होंने 3,890 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 20 अर्धशतक, 269 चौके और 180 छक्के शामिल हैं। वायरल क्रीड़ा न्यूज़।